तो आज है 17 अप्रैल और आज के दिन मेरा बर्थडे होता है। तो दोस्तों आप भी मुझे विश जरूर कीजिएगा और चलिए देखते हैं कि आज फैमिली मेंबर ने मेरे लिए ऐसा क्या खास ऑर्गेनाइज किया है मेरे बर्थडे पर। तो यहाँ पर टाइगर आ चुका है। टाइगर ने मुझे पहले ही विश कर दिया था और अब मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलूंगी और फिर जाऊंगी आगे। और मैंने यहाँ पर देखा कि सब ने मेरे लिए यहाँ पर केक रखा है, मेरा गिफ्ट है, चॉकलेट्स हैं और ये सारी चीज़ें ना देखकर मैं हैरान हो गई। तो मुझे पता चल गया था कि उनको मेरा बर्थडे याद है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी घड़ी थी, साथ ही चॉकलेट थे, टेस्टी केक था। तो पहले हम केक कट करेंगे। सुबह का टाइम है तो सब लोग जैसे कि कैमरे में आने के लिए शर्माते हैं, तो जितने लोग थे मैंने उनको केक खिलाया। और बड़ा बेटा आज नहीं है, वो गोवा गया हुआ है और उसने भी वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको गोवा के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने केक कट कर लिया था और उसके बाद हम जाने वाले थे शॉपिंग करने और मूवी देखने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी ने कहा था आज का दिन स्पेशल है और आपको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। तो रेडी होके मैं निकल चुकी थी। तो पहले हम गए मूवी देखने के लिए और एक ऐसी बात हो गई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जाते जाते आधे घंटे हम लेट हो चुके थे, काफ़ी ट्रैफिक जाम था और आधे घंटे की मूवी हमसे मिस हो चुकी थी। जी हाँ, शुरू के आधे घंटे की फिल्म हम देख ही नहीं पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म अच्छी थी। लेकिन आप मुझे बताएं कि हमने कौन सी फिल्म देखी, फिल्म का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर उसके बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए और हबी जी ने एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ रखा था मेरे लिए, तो वो मुझे लेकर आए थे तनिष्क ज्वेलर जो न्यू राजेंद्र नगर में है। और यहाँ पर उन्होंने पसंद किया था मेरे लिए डायमंड का ब्रेसलेट और डायमंड की रिंग। बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन मैंने ना रिंग को कैंसिल कर दिया। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आने वाले समय में लगभग एक हफ्ते के बाद मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं कोई बड़ी गिफ्ट लूँगी, इसके लिए मैंने रिंग को कैंसिल कर दिया। और फिर यहाँ की टीम ने भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। जी हाँ, ये देख के मैं और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गई, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, काफ़ी अच्छा लगा। सारे टीम मेंबर ने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक की और फिर सारे फ़ोटो क्लिक्स करने के बाद हम हमारा गिफ्ट लेकर निकल पड़े। और फिर उसके बाद हमने और भी ज़्यादा शॉपिंग की और फिर हम घर की तरफ निकल गए।